हेलो बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे एक सीनरी बनाएंगे। आप लोग देख के पहचान गए होंगे क्या बनाना है यहाँ पे। सबसे पहले एक झोपड़ी बना लेते हैं। कैसे बनेगा? चारों तरफ से स्क्वायर कर लिए और उसके बाद इसका छत बनाएंगे। झोपड़ी का छत बना दिए यहाँ पे। अब फिर इसको कॉर्नर से ज्वाइंट कर दिए। अब यहाँ से फिर इधर से बना दिए। अब फिर इसको भी ज्वाइंट कर दिए और इसमें एक खिड़की बना दिए गोल करके। अब ये झाड़ी से बनता है तो इसे इसे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक खिड़की बना दिए थे, अब यहाँ पे एक दरवाज़ा बनाएंगे। हर रूम के अंदर एक दरवाज़ा होता है। अब देखो यहाँ पे पर्वत बनाएंगे, दो पर्वत बनाएंगे, पहाड़ बना दिए। एकदम आसानी से बन जाएगा। एक साइड से एक पहाड़ बना दिए और फिर इस साइड से भी पहाड़ बनाएंगे। ये दोनों पहाड़ के बीच से पानी आएगा तो ये एक पहाड़ बन गया। अब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी आएगा तो फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, पानी कहाँ जाएगा उसका रास्ता बना देंगे। ये हो गया एक तरफ से, एक नदी हो गया, रिवर हो गया, जिसको हम रिवर बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बनता है। यहाँ पे एक खजूर का पेड़ सोच रहे हैं बना देने के लिए। तो देखो खजूर का पेड़ एकदम आसानी से बन गया। सबसे पहले इसका पेड़ का खींच देना है, उसके बाद इसका पत्ता बनाना है। अब इसका हम लोग पत्ता बनाएंगे। पत्ता बनाने के लिए पहले उसका डहनी बना देते हैं और उसमें शेडिंग करके पत्ता बना देंगे। देखो इस तरह से आसानी से शेडिंग होता है। एक एक पत्ता में शेडिंग कर दिए, अब इसमें भी कर दिए, सब में शेडिंग कर करके इसका पत्ता बना देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या बनाते हैं। पहले ये पत्ता बन जाए पूरा। अब इसमें ऐसे ऐसे रहता है, इसमें चढ़ने के लिए एकदम दाग टाइप का रहता है, उसको भी बना दिए। बाद में कलर भी करेंगे इसको, देखना कैसे कलर होता है। एक और पेड़ बना देते हैं, खजूर का पेड़। तो देखिए एक और खजूर का पेड़ बना दिए एक साइड से। अब इसका पत्ता भी कुछ तो एक साइड में आएगा ना, तो एक साइड में पत्ता भी आ गया। इस साइड में पत्ता दिखाई दे रहा है, पूरा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पेड़ झुका हुआ है। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे पानी, मतलब यहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ से आ रहा है और इधर की तरफ इधर जा रहा है। ये हो गया एक पानी, पानी जा रहा है इस साइड में। इसमें सिर्फ डॉट डॉट करना रहता है, कहीं भी डॉट डॉट कर देंगे तो लगता है कि हाँ पानी ही है बस। अब देखो आगे क्या होता है। ये बन गया। सोच रहे हैं एक और झोपड़ी बनाने के लिए इसी के साथ। चलो एक और झोपड़ी बना देते हैं। एक और झोपड़ी बन गया यहाँ पे। अब ये इसके पीछे है। अभी ये भी बना दिए हम लोग। इसमें एक खिड़की बना दिए हैं, गोल गोल खिड़की बना देते हैं। यहाँ पे सीढ़ी बना देते हैं आसानी से, सीढ़ी भी हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर पेड़ बना देते हैं। वो झोपड़ी के पीछे पेड़ है, ऊपर नहीं है, पीछे है। देखो पीछे ये डहनी हो गया। अब इसी के ऊपर पेड़ बना दिए। ये पेड़ बन गया हम लोगों का। अब देखो यहाँ पे घास बना देते हैं। घास कैसे बनाना है, वो सिंपल सा ट्रिक है। ऐसे करके नीचे ज्वाइंट कर दो, घास बन गया। देखो एकदम आसानी से करके नीचे ज्वाइंट कर दो, लगेगा। हाँ, और इसे ऊपर की तरफ शेडिंग कर दो, नीचे ज्वाइंट कर दो। हाँ, ये भी एक घास है अलग तरीका का। इस तरीका से हम लोग घास बना लेते हैं। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर हम लोग घास बना लेते हैं। नदी किनारे घास तो होता ही है। अब यहाँ पे पर्वत पे छोटा मोटा इधर पर्वत होता ही है, उस चीज़ को हम ड्रॉ कर देते हैं। एकदम सिंपल सा है, आसानी से आप लोग से बन जाएगा। इसमें भी वैसे ही बना देते हैं, इधर भी घास बना देते हैं। दोनों साइड तो घास रहता है, रिवर के इस साइड भी, रिवर के उस साइड भी। उधर तक झोपड़ी भी है तो उधर तो रहना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारा वीडियो हम रोज डालते रहेंगे, इसमें आप सोचेंगे रोज वीडियो डालने के लिए, रोज वीडियो आएगा। ये भी हो गया। यहाँ पे जितना घास बनाना है, जितना जगह खाली दिखाई दे रहा है वहाँ पे घास बना दो। अब यहाँ से एक सोच रहे हैं बना दे, नदी से निकलने वाला घास, नदी के किनारे एकदम किनारे साइड में घास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक सन बनाएंगे। सन मतलब सूरज बनाएंगे। सूरज रहेगा तभी तो रोशनी रहेगा चारों तरफ। हम सोचते हैं इसमें आठ नाक भी बना दें। इसका आठ नाक भी बना देते हैं। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है आठ नाक बना के। आँख भी बना देंगे, नाक भी बना देते हैं, मुँह भी बना दिए। अभी ये स्माइल कर रहे हैं।
सूरज भगवान स्माइल कर रहे हैं। ये हो गया, अब इसको कलर करेंगे। तो कलर कैसे करेंगे, चारों तरफ से तो बन गया लेकिन अब इसको कलर किया जाएगा। देखते हैं कलर कैसा लगता है करने के बाद। यहाँ पे एक दो पक्षी बना देते हैं, चलो चार पक्षी बना दिए, एक और पक्षी बना देते हैं। चलो आराम से इसे साइन करके नीचे साइन कर दो, आराम से पक्षी बन जाएगा। अब आ गया कलर पे, देखो कलर करना है। अब यहाँ पे हम एक ब्लू कलर ले लिए, ब्लू कलर से एक दीवार कर दिए। ऐसा ही चारों तरफ से इसको कलर करेंगे। आपको जो कलर ठीक लगे उसको कलर से कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को हरा से ही करना है, पर्वत को ब्राउन से ही करना है। उसके बाद जो भी कलर घर का देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। चलो कलर करके मिलते हैं हम लोग। यहाँ पे रूम कंप्लीट तैयार हो गया कलर होके, कलर चारों तरफ से कर दिए। अब यहाँ पे पेड़ को कलर कर देते हैं, ट्री को ग्रीन से कर देते हैं। अब ये ट्री हम लोग का हो गया ग्रीन। तीनों ट्री को ग्रीन से कर दिए, ग्रीन हो गया आसानी से। अब इस खजूर के पेड़ को ब्लैक कलर का होता है तो इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलो ब्लैक कर दिए इसको भी। अब ये पर्वत को कलर करेंगे, तो जो कलर से करना चाहिए वो कलर है नहीं, फिलहाल हम इसी से कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। अब यहाँ पे घास बनाएंगे ग्रीन ग्रीन कलर का, कहीं कहीं घास है कहीं कहीं नहीं है, तो बस जहाँ घास है वहीं पर हम, अभी ये तो बड़ा वाला घास है तो इसको ग्रीन करना ही है बस, और जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे घास होना चाहिए वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर देना है, बस वहीं पे ग्रीन। चारों तरफ तो ग्रीन तो होगा नहीं, कहीं कहीं सूखा भी होगा। अब देखो येलो कलर से सूखा भी कर दिए, सूखा भी हो गया। अब देखो कैसा लग रहा है ये बनाने के बाद, कितना सुंदर सा लग रहा है। देखो ये भी कलर हो गया। तो चारों तरफ से इसको भी कर दिए। अब ये पेड़ का डाली दिखाई दे रहा था उसको हम कर दिए। अब ब्लू कलर से पानी कर दिए, ब्लू कलर से यहाँ पे रिवर बना दिए। अब लग रहा है कि हाँ यहाँ से पानी निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है बनने के बाद,